अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम लोग। जब बात हम करते हैं खूबसूरती की, उसमें बाल बड़े इंपॉर्टेंट है और आजकल जो है बड़ा क्रेज हुआ हुआ है बालों के ऊपर। क्या है, केराटिन करना है, स्ट्रेटनिंग करवानी है या आपका रिबाउंडिंग चल रही है, तो लोग बहुत घबराते हैं कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो। मोस्टली जो है केराटिन के ऊपर जा रहे होते हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो बालों को स्मूथ कर दे, स्ट्रेट कर दे, इसलिए इतने ज्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हो चुके हैं कि बाल हमारे डैमेज होने लग गए। आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ वो उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बच्चियों के लिए, बहनों के लिए जो कि चाहते हैं उनके बाल स्ट्रेट हो जाएं और स्मूथ हो जाएं, फ्रिज फ्री हो जाएं, एंटी फ्रिज उनको कोई चीज चाहिए होती है, तो आपको कहीं कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं आपको आज बता रही हूँ ये आपने इस्तेमाल करनी है और उसको जब आप रेगुलर यूज करेंगे तो सिर्फ दो एप्लीकेशन में इंशाल्लाह बाल आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेरे पास कुछ चीजें रखी है, मैं दिखाऊँ। सबसे पहले मैंने अलसी को गर्म पानी में भिगो दिया, इसको हल्का सा पका लेंगे ताकि जेल बन जाए। इसको हमने छान लेना है, इसको हमने छान लिया जेल को, ये पूरा जेल बन जाएगा। इसको थोड़ा सा पका लेंगे चूल्हे के ऊपर, जब आप पकाएंगे तो ये जेल जैसे बनेगा, तो उसको फिर आपने छानना है। ये एलोवेरा जेल इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और 1 अदद अंडा जो है आपने अच्छी तरह से फेंट के रखा है ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, बीटन एग है 1 टेबल स्पून डालेंगे, जर्दी एंड सफेदी दोनों। इसके बाद एक केला आपने लेना है। अच्छा ये तो फिर भी फ्रेश है थोड़ा सा, जितना गला हुआ केला ले सकते हैं, जितना बिल्कुल पुराना वो उतना ही अच्छा है। तो इसको, ये चारों चीज़ को आपने मिक्स कर लेना है। जेल है उसके अंदर एलोवेरा जेल है और इसके साथ हमने केला लिया है। इस वक्त केला थोड़ा सा फ्रेश था, लेकिन जितना पका हुआ, जितना गला हुआ केला लेंगे उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा है। बेहतरीन कंडीशनर ये होता है, आपके बालों को नरिश करता है, आपके डेड जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। अंडे से जो है आपको प्रोटीन मिलता है, और अलसी जो है, फ्लेक्सीड जो है, उसका जो जेल है अगर आप वो वैसे भी लगाते तो आपके बालों को स्मूथ करने के लिए उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसका हमने पूरा प्रॉपर पेस्ट बनाना है, ये देखेंगे बिल्कुल अच्छा। इसको लगाते वक्त आप परेशान ना हो कि जी अंडे की स्मेल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर एलोवेरा जेल है, इसके अंदर फ्लेक्सीड जेल है, इसके अंदर जो है केला है, तो अंडे की स्मेल इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होगी। और इसको लगाने के बाद आपने वैसे भी वॉश करना है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अंडे की स्मेल से कोई इशू है, बहुत से लोग बहुत एलर्जी होते हैं कि स्मेल उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसमें आपने थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लेना है। अच्छा इसको जो है आपने पेस्ट बना के ये आपने पूरे बालों में लगाना है, पार्टिंग करके मतलब रूट से लेके एंड तक लगाना है और खूब लगा के इसका मसाज करना है। मसाज करके इसको आपने शावर कैप अपने बालों के ऊपर पहन लेनी है और 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना है। 1 घंटा अगर मुश्किल हो तो आधा घंटा लाजमी लगाना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 एप्लीकेशन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बाल बिल्कुल स्मूथ एंड स्ट्रेट होना शुरू हो गए, बालों में जान आ गई है, बालों के स्प्लिट एंड वो ख़त्म हो गए। ज़रूर इस्तेमाल करना है। वो तमाम बच्चियाँ बल्कि मैं बच्चियाँ ही कहूँगी कि जिनकी माएँ, लाइक मैं खुद अपने बच्चों को कुछ नहीं करने देती, जिनकी माएँ उन बच्चियों को केराटिन से, रिबाउंडिंग से, स्ट्रेटनिंग से मना कर रही होती, तो ये उन तमाम बच्चियों के लिए है। लिहाजा आप इस्तेमाल कीजिए और घर में बैठे हुए अपने बालों को हेल्दी अंदाज के अंदर जो है उनकी स्ट्रेटनिंग कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न आ रहा है तो उसमें सबको बाल आयरन भी करने होते हैं, स्ट्रेटनिंग भी चाहिए, बालों के अंदर वॉल्यूम भी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट मास्क है आपका जो कि आपने ट्वाइस अ वीक लगाना है। अच्छा सिर्फ ये लड़कियाँ नहीं, इसको लड़के भी लगा सकते हैं। लिहाजा जिनके भी बाल फ्रिज हैं, बाल रफ हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, वो तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।